सुखमणि साहब बाणी विचों अज 21 नंबर अष्टपदी का श्लोक और पहले चार पदे गुरु अर्जन देव पातशाह जी की कृपा द्वारा इन्हां वचनां नूं अंदर समझन दा यतन करिए। ये जो अष्टपदी है सारी दी सारी ये एक अकाल पुरख दे घर विच वरत रही कला दा वर्णन करदी। जेड़े शरीरधारी मनुख गुरु के शब्द दी कमाई करके गुरु दे हुकम विच जीवन जी के जेड़ी दशा नू प्राप्त कर लेंदे ने, जेड़ी अवस्था विच जांदे ने, उस सारी दशा का इत्थे वर्णन किया गया है। बड़े ही गुरमुख प्यारियां ने बहुत बारी ये सवाल किया है कि सतगुरु बाणी विच वार वार कहिंदे ने कि चौथा पद किहड़ा है। तुसी वार वार ये शब्द सुनोगे बाणी विच, चौथे पद को जो ना रचीना तिसको पाप ना पुन, बड़ी बारी आएगा। भावें कि ब्रह्म ज्ञानी की अंतिम दिशा है, चौथी अवस्था तिना विचों लंघ के आप एक दिन विचार की सी, उदे विच तीन अवस्थावां दा जिक्र आया सी, सुपन सुखोपत तुरिया, ये तीन पहलियां अवस्था ने। थोड़ा जिहा उन्हां दा वर्णन करदिआं क्योंकि एक श्लोक पिछे आया सी, त्रह गुण ते प्रभ भिन्न तिसै बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न। ये तीन अवस्था ने पहलियां, वो तीन ने सुपन, सुपन का अर्थ सुपने लेंदे रहना। ये कोई साध संगत जी इउं कह के इनू ना तुसी सुटना, ये कोई फिलासफी है, ये साढ़े विच वरतदियां ने साढ़े जीवन विच। सुपन हर एक बंदा सुपन विच रहिंदा, तुसी वेखो आपां इत्थे बैठे हाँ, मन विच सुपने चलदे ने पए, ख्याल चल रहे ने, ये जागदियां दे सुपने ने। इहदा वर्णन गुरु साहिब कहिंदे तैनूं सुपना आ रहा, एक ते सुत्यां दा है, नींद विच सुपना आउंदा है, ते एक जागदियां दा सुपना है जिहड़े हुण असीं लै रहे हां। घर सां उत्थों गुरद्वारे दा सुपना लिया, चलीए इत्थे आ गए, इत्थों हुण सुपना घर दा आउंदा है, उत्थे चलीए। ये सुपने ने साडे अंदर पहली अवस्था विच बहुता संसार विचरदा है, विचारां दे सुपनियां विच तुरिया रहिंदा है। कब हूँ जीड़ा ऊब चढ़त है, कब हूँ जाए प्याले, लोभी जीड़ा थिर ना रहत है, चारे कुंडा पाले। ये पहली दशा विच बहुता संसार विचरदा है। दूसरी है सुपन तो बाद सुखोपत। सुखोपत का मतलब है जिथे जा के गहरी नींद आउंदी है ते मन टिक जांदा, आदमी टिकिया रहिंदा। इस तरह के थोड़े जे आदमी तुहानूं संसार विच मिलणगे जिन्हां दी जिंदगी विच कोई भज दौड़ नहीं बहुती, टिके हुए ने, आनंद विच रहिंदे ने, ना धर्मी ने ना संसारी भज दौड़ो, ना संतोख विच रहिंदे। तीसरी है तुरिया। तुरिया दे अर्थ ने जिहड़े गुरमुख नाम जप के शब्द नाल सांझ पा लैंदे ने, वो तीजी अवस्था है। ते उहदे तो अगे जदों बिलकुल रब दे चरणां विच नानक लीन भयो गोबिंद सिंह, ज्यों पाणी संग पाणी हो जांदे ने, उहदे विच मिल जांदे, ज्योति ज्योत मिली संपूर्ण हुआ राम, उस अवस्था नूं चौथी अवस्था कहिंदे ने। जिहड़ा मनुख उस अवस्था विच चला गया उहदे जीवन दी दशा किवें दी बणदी, उह अज दी सारी अष्टपदी विच आपां विचारां, किवें रहिंदा है, किवें सोचदा है, किवें विचरदा है। ते सतगुरु इस श्लोक विच सब तो पहला कृपा करदे हन। साहिब कहिंदे सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधिया। सरगुण दे अर्थ ने जो सामने दिसदा है,
निर्गुण दे अर्थ ने जो है ते नज़र नहीं आउंदा, निरंकार जेड़ा बिल्कुल ही सूक्ष्म, जेड़ा भासदा भी नहीं। ये तीन अवस्था अकाल पुरख दियां ने, ते इन्हां तिन्हां विच ही भगत जन पहुँच जांदे ने। जिवें मैं उदाहरण दे दिया, कबीर जी ने एक श्लोक कहा अपनी बाणी विच, उन्होंने किसी पूछा भी कह के समझाओ तुसीं किवें रब नूं मिले। बड़ियां कहानियां ने लोग सुनाउंदे ने, परमात्मा आया मैनूं उहदे दर्शन होए, उहने मैनूं इह कहा वी तूं इन्ना प्रशादा छकिया कर, इह करिया कर, सब मनोकल्पित घटनावां सुनाईआं जांदियां। कबीर जी नूं किसी पूछा तुसीं दसो तुहानूं किवें मिलिआ, उन्होंने एक उदाहरण दित्ती, कहिंदे तुसीं कदी वेख्या होणा है आकाश विच्चों जदों मीह पैंदा है ते मीह विच कई वारी औले पैंदे ने, ओरा उहनां नूं कहिंदे ने, जां आपां गड़े कहिंदे आ, बर्फ़ दे टुकड़े डिगदे ने जिहदे नाल फसल भी खराब हो जांदी। आकाश विच्चों कई वारी बर्फ़ डिगदी मीह दे रूप विच, उहनूं ओरा कहिंदे ने। कबीर जी कहिंदे तुसीं कदी ओरा वेख्या होवेगा, ओरा जिहड़ा ना बर्फ़ पाणी दी बणदी है, जदों पाणी जम जांदा उहदी बर्फ़ बणदी है। कहिंदे ने जदों बर्फ जमीन ते डिगदी है ते सूरज दी धुप नाल पिघल के फिर पानी बन जांदी है ते जिथों पैदा होई सी उत्थे चली जांदी, पानी दे विच मिल जांदी। उहनां दा एक श्लोक है कि कबीर भली भई जो भाउ भरिया, दिशा गई सब भूल, ओरा गर पानी हुआ। ओरा दे अर्थ ने गड़ा, वह बर्फ दा टुकड़ा जिहड़ा मीह विच डिग्गिया, गर दा अर्थ है गल गया, पानी बन गया। पानी हुआ, पानी बन गया, जाए मिले वो ढल ढल के वह के, कूल दा अर्थ है झरने विच पानी दे विच मिलिया, जिथों पैदा होया सी उत्थे चला गया। ये तीन दशा दसियां ने, जिवें कि साध संगत हवा दिसदी नहीं, आ वेखो इत्थे हवा वगदी है, हवा दे विच पानी है, पर इत्थे आपां हवा नूं चाहिए ना पानी विच ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਈਏ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਹਵਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਬਰਫ਼। ਹੁਣ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੱਤਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੂਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਵਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗੁਣ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਗੁਣ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਉਹ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ, ਨਾ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ,
आपे ही फिर जाप ते आप ही अपने आप नू साधु हो के जप रहा है, गुरमुख हो के अपना जाप आप ही जपी जाता है। अगले सारे ही शब्द उस ब्रह्म ज्ञानी दे मन दी दशा है, जिन्हें इस ऐसे अकाल पुरख दे नाल सांझ पा ली। हजूर कहिंदे जब अकार एह कछ ना दृष्टेता, क्योंकि हुण असी अकार विच हाँ, साड़ी तस्वीर खिंची जांदी, साढ़े अंदर भी कुछ आकार बनते हैं। जिमें कल मैं बेनती की सी, एक दुकान असी बाहर चलाने वो ही दुकान सूक्ष्म हो के साढ़े अंदर टिक जाती, तस्वीर बन गई। पर ज्यों ज्यों असी अकाल पुरख के नाम नाल जुड़ने हाँ, त्यों त्यों साढ़े विचों सारे आकार टुटते जाते हैं, तो असी निर आकार होंदे जावांगे। अजे असी आकार विच हाँ, साडा मन जिहड़ा है वह भी आकार विच, उहदे भी कई रूप ने। कबीर साहब कहिंदे जो मैं रूप किए बहु तेरे, अब कछ रूप ना होई, हुण कोई रूप नहीं रहा। वेखो किन्ने आकार ने साडे, असी किसी माँ के पुत्र हाँ, एक पुत्र वाला आकार साडे मन विच बनिया। जदों उहदे कोल जाइए तो पुत्र रूप, किते पति रूप, किते पिता रूप, किते होर कोई रूप धारण कर जाने, किन्ने आकार साडे विच बने हुए ने। किते असी किसी अहुदे ते कम करने आ, उस अहुदे दा साडे विच आकार बनदा है। ये कई प्रकार दे आकार ने, ते जदों उस निरंकार जो आकार तो रहत है उहदा नाम जपिया जांदा है, ते उह इन्हां सारे आकारां नूं मिटाउण लग पैंदा है, इन्हां नूं सूक्ष्म करी जांदा है, इन्हां नूं खत्म करी जांदा है, क्योंकि उन्हें सानू निरंकार करना है। तो जदों असी निरंकार होवांगे तां निरंकार नाल जुड़ांगे, ये सच है ना। किसी ने बहुत सुंदर कहा, कहिंदे धार्मिक जगत की सब तो वड्डी गलती किहड़ी, बहुत सुंदर शब्द ने ध्यान नाल सुनना, धार्मिक जगत की सब तो वड्डी गलती किहड़ी है। वो कहिंदे ने सब तो वड्डी गलती ऐसी है जिहदे नाल जुड़ना है उहदा आकार कोई नहीं, तो जिहदे जिहड़ा जुड़ना चाहुंदा वह कहिंदा मैं आकार विच जुड़ा, उहनू आकार विच वेखा, आकार नाल जुड़ा, ये सब तो वड्डी गलती। इस करके सारी उम्र धार्मिक मनुख साधना करता रहिंदा है, वह किसी आकार की खोज करता रहिंदा अंदरों, वह लभदा नहीं, ना वह आकार विच है। तो फिर अपने मनोकल्पित आकार असी खड़े कर लैंदे हां, इस तरह वह निरंकार है। पानी दे विच पानी मिल सकता, लकड़ नहीं मिल सकती, लकड़ दे विच लकड़ मिल जोड़ी जा सकती, पानी नहीं उहदे विच पाया जा सकता। इस तरह जिहड़े उहदे चरणा नाल जुड़े ने, सब तो पहला उहनां दे आकार खत्म हो गए, उहनां दे अंदर दे विचार खत्म हो गए, आकार का अर्थ विचार खत्म हो गए, अंदरों एक हो गए, उहनां दा आकार कछ ना दृष्टेता, अंदरों कोई भी आकार नज़र नहीं आउंदा, अंदर बिल्कुल सुन, अंदर बिल्कुल खाली हो गया। ते जदों अंदर आकार तो रहत हो गया, उहदे तों बाद कहिंदे पाप पुन तब कहते होता। जदों अंदर हो गया ना कामना तो रहत, ते हुण उह जिहड़ा कम करदा ना उहदे विचों पाप ना पुन, क्योंकि दोवें चीज़ां मनुख नूं बन्नदियां ने। पाप भी इहनूं बंधन विच पाउंदा है, तो पुन भी इस नूं बंधन विच पाउंदा है। तो जदों अंदरला आकार तो रहत हो गया, कामना तो रहत हो गया, तो उस वेले जिहड़ा भी कर्म करदा है ये मनुख, जो भी कर्म करेगा उस कर्म दे बंधन उहनूं नहीं पैणगे, उहनां दा हिसाब उहनूं नहीं देना पएगा। फिर उहदे तों ना पाप होवेगा, जो करेगा पाप नहीं होवेगा, पुन नहीं होवेगा, सिर्फ वो कर्म करत होवै ने कर्म की दशा विच चला जाएगा। फिर कहिंदे जब धारी आपन सुन समाध, इहनू कहिंदे सुन समाध। गुरबाणी विच शब्द बहुत थावां ते आया, समाधि योगियां विच भी है, वो निर्विकल्प समाधि लाउंदे ने शरीर नूं रोक के। गुरमत विच दोवें प्रकार दियां समाधियां दा जिक्र आउंदा है, जिवें कि योगी लोक ने वह ध्यान द्वारा अपने अंदर समाधि ला लेंदे ने, शरीर की शुद्ध बुद्ध भुल जाती है, शरीर की गर्मी ठंड तो उच्चे हो जाते हैं, पर उहदे विच एक नुक्स रहिंदा है। वह नुक्स यह है
कि समाधि वो शरीर को सोध के किसे कर्म द्वारा अंदर शरीर का श्वास उन्होंने ध्यान विच ला के किसे तरह शरीर को रोक लेंदे ने। समय की उन्होंने खबर नहीं रहिंदी, एक आनंद जय विच एक नशे विच अवेश विच रहन लग पैंदे, पर उन्हां दे अंदर जिहड़े मन दे विच विचार ने ना उहदी शुद्धता नहीं आउंदी, उह धो नहीं सकदे उस नूं। एक उह समाधी है सतगुरां ने उहनूं प्रवान ने कीता। हजूर ने कहा जिस वेले मेरे सिख दे जीवन विच शुभ कर्म करदिआं करदिआं गुरबाणी नाल जुड़ के जीवन जिउंदिआं नाम की आराधना करदिआं सेवा करदिआं इहदा मन शुद्ध हो जाएगा ना, तो उस शुद्धता तो बाद ये भावें शरीर करके तुरी भी जाएगा ये अंदर समाधि लगी रहेगी, इहदा ध्यान आपे टिकिआ रहेगा, इहनूं लाउण की जरूरत नहीं पैगी, इहनूं शरीर रोकण की लोड़ नहीं पैगी। हाँ किसी खास समय विच अपने अंदर का सुधार करन वास्ते कदी कदी गुरसिखां ने समय बद्ध बैठ के सिमरन कीता है बाणी का अभ्यास किया वह गुरमत विच प्रवान है, पर वह कुछ समा करन तो बाद फिर कर्मशील हो जाते हैं, यानी कि शरीर के तौर पर तुरदे फिरदे खांदे पींदे रहिंदे ने। इस तरह कहिंदे जिहड़े गुरमुखां दे जीवन विच सुन समाधि का मतलब है जिन्हां दा मन गुरु के शब्द विच टिकन लग पैंदा है उन्हां दी की निशानी है। हजूर कहिंदे तब बैर विरोध किस संग कमात, फिर कहिंदे उह वैर विरोध किहदे नाल करनगे। वैर विरोध उन्हां तों हुंदा ही नहीं, वैर विरोध करन वाले उन्हां दे शस्त्र ही कोई नहीं रहिंदे कोल, जे करना भी चाहुण उह किसे नाल वैर कर ही नहीं सकदे, क्योंकि वैर करन वास्ते दुश्मन चाहिदा है, द्वैत चाहिदी, क्रोध चाहिदा है, लोभ चाहिदा है, वह सारिया चीज़ा उन्हां विचों खत्म हो गई, वह वैर कमाउंदे नहीं। हाँ कई बारी वक्ती तौर पर इंज लगता है वो किसी नाल वैर करते हैं, क्योंकि शरीर विच ने ना संसार विच विचरना है, इत्थे कोई ना कोई झगड़ा कोई ना कोई द्वैत जरूर आउंदी है। अंदरों एक हो गए उन्हां दा आकार कछ ना दृष्टेता, अंदरों कोई भी आकार नज़र नहीं आउंदा, अंदर बिल्कुल सुन अंदर बिल्कुल खाली हो गया, ते जदों अंदर आकार तो रहत हो गया उहदे तों बाद कहिंदे पाप पुन तब कहते होता, जदों अंदर हो गया ना कामना तो रहत, ते हुण उह जिहड़ा कम करदा ना उहदे विचों पाप ना पुन, क्योंकि दोवें चीज़ां मनुख नूं बन्नदियां ने, पाप भी इहनूं बंधन विच पाउंदा है ते पुन भी इस नूं बंधन विच पाउंदा है, ते जदों अंदरला आकार तो रहत हो गया कामना तो रहत हो गया ते उस वेले जिहड़ा भी कर्म करदा है ये मनुख जो भी कर्म करेगा उस कर्म दे बंधन उहनूं नहीं पैणगे, उहनां दा हिसाब उहनूं नहीं देना पएगा, फिर उहदे तों ना पाप होवेगा, जो करेगा पाप नहीं होवेगा पुन नहीं होवेगा, सिर्फ वो कर्म करत होवे ने कर्म दी दशा विच चला जाएगा। फिर कहिंदे जब धारी आपन सुन समाद, इहनूं कहिंदे सुन समाद, गुरबाणी विच इह शब्द बहुत थावां ते आया, समाधि योगियां विच भी है, वो निर्विकल्प समाधि लाउंदे ने शरीर नूं रोक के। गुरमत विच दोवें प्रकार दीयां समाधियां दा जिक्र आउंदा है, जिवें कि योगी लोक ने वो ध्यान द्वारा अपने अंदर समाधि ला लैंदे ने, शरीर दी शुद्ध बुद्ध भुल जांदी है, शरीर दी गर्मी ठंड तो उच्चे हो जांदे ने, पर उहदे विच इक नुक्स रहिंदा है, वह नुक्स यह है कि समाधि वो शरीर नूं सोध के किसी कर्म द्वारा अंदर शरीर का श्वास उन्हों ध्यान विच ला के किसी तरह शरीर नूं रोक लेंदे ने, समय की उन्होंने खबर नहीं रहिंदी, एक आनंद जय विच एक नशे विच अवेश विच रहन लग पैंदे, पर उन्हां दे अंदर जिहड़े मन दे विच विचार ने ना उहदी शुद्धता नहीं आउंदी, उह धो नहीं सकदे उस नूं। एक उह समाधि है सतगुरां ने उहनूं प्रवान ने कीता। हजूर ने कहा जिस वेले मेरे सिख दे जीवन विच शुभ कर्म करदिआं करदिआं गुरबाणी नाल जुड़ के जीवन जिउंदिआं नाम की आराधना करदिआं सेवा करदिआं इहदा मन शुद्ध हो जाएगा ना,
ते उस शुद्धता तो बाद ये भावें शरीर करके तुरी भी जाएगा, ये अंदर समाधि लगी रहेगी, यदा ध्यान आपे टिकया रहेगा, इनू लाउण दी जरूरत नहीं पाएगी, इनू शरीर रोकण दी लोड़ नहीं पाएगी। हाँ, किसी खास समय विच अपने अंदर का सुधार करन वास्ते कदी कदी गुरसिखा ने समय बद्ध बैठ के सिमरन किया है, बाणी का अभ्यास किया, वह गुरमत विच प्रवान है, पर वह कुछ समय करन तो बाद फिर कर्मशील हो जाते हैं, यानी कि शरीर के तौर पर तुरदे फिरदे खाते पीते रहते हैं। इस तरह कहिंदे जिहड़े गुरमुखां दे जीवन विच सुन समाधि का मतलब है, जिन्हों का मन गुरु के शब्द विच टिकन लग पैंदा है, उन्हां दी की निशानी है? हजूर कहिंदे तब बैर विरोध किस संग कमात। फिर कहिंदे उह बैर विरोध किहदे नाल करनगे? बैर विरोध उन्हां तों हुंदा ही नहीं, वैर विरोध करन वाले उन्हां दे शस्त्र ही कोई नहीं रहिंदे कोल, जे करना भी चाहुण वो किसी नाल वैर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वैर करन वास्ते दुश्मन चाहिदा, द्वैत चाहिदी, क्रोध चाहिदा है, लोभ चाहिदा है, वो सारियां चीज़ां उन्हां विचों खत्म हो गई, वो वैर कमाउंदे नहीं। हाँ, कई बारी वक्ती तौर पर इंज लगता है वो किसी नाल वैर करते हैं, क्योंकि शरीर विच ने ना, संसार विच विचरना है, इत्थे कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई द्वैत जरूर आउंदी है, इस करके उन्हां दा वैर विरोध किवें दा है? जिवें पाणी ते लकीर हुंदी है, हुणे पाणी ते लकीर पाई ते नालों नाल मिट गई, जिहड़े गुरमुख हन उन्हां दे विच जिहड़ा वैर विरोध कुछ ना कुछ दिसदा है, वो सिर्फ वक्ती तौर ते हुंदा है, एक दो दिनां वास्ते, वो उन्हां दे अंदर डुंघाई विच नहीं पैंदा, पर जिहड़ा मनमुख है उहदा वैर विरोध किवें दा है? उहदा वैर है पत्थर ते लकीर वर्गा, जिथे लकीर वज गई परत के मिटदी नहीं, पर गुरमुख दा जिहड़ा वैर विरोध है वह पाणी ते लकीर वर्गा, उन्हां विच कोई वैर विरोध नहीं, भाव क्रोध तो लोभ तो रहत हन। ते उस समय जदों कहिंदे कोई मनुख शब्द नाल जुड़ जांदा, सुन समाधि विच चला जांदा है, फिर किहदे नाल उह वैर विरोध कमाएगा? क्योंकि एक होर घटना उहदी जिंदगी विच वापरदी है, उन्हूं इंज लगन लग पैंदा कि मेरा अपना आप ही सारियां दे विच वरतदा है, जदों दूजा रहा ही नहीं, जदों इको ही सारियां विच दिसन लग पिया, ते वैर करन वास्ते तां दूजा आदमी चाहीदा है, जदों अपना आप ही सारियां दे विच उन्हूं नज़र आउंदा है, तां उह वैर विरोध किस संग कमात, किहदे नाल कमाए, दूसरा है ही नहीं। अगे हजूर कहिंदे जब इस का बरन चिहन ना जापत, तब हरख सोग कहो किसै ब्यापत। ये सारियां अवस्थावां एक गुरमुख दे अंदर दियां, कहिंदे ने उहदे अंदरों बरन रंग गवाच जांदे ने, चिहन चिन्ह गवाच जांदे ने, जिवें साडे मन दे विच जिहड़ा जिहड़ा कर्म करने आ ना, साडे विच उह स्टोर हो जांदे ने, कर्म चिन्ह लग जांदे ने, अंदर निशानियां लग जांदियां, जे माड़े किते ने उन्हां दे दाग भी लगते हैं, तो जे असी कोई ना कोई चंगयाई करने ना, वह भी अंदर एक थां ते तुसी वेखना असी कट्ठी कर लें, चंगयाई की, पाठ किया जां करवाया, दान किया, दसवंध दिता, जां किसे दे दी सहायता कर दिती, जां सेवा की, जां सिमरन किया, उहदे अंदर चिन्ह लग जांदे ने, पर जिहड़ा गुरमुख उहदे विच लीन हो जांदा है, उहदे अंदर किसे कर्म दे चिन्ह नहीं पैंदे, निशानियां नहीं पैंदियां, बस उहदा ते शरीर भी अकाल पुरख दा हो जांदा है। उहनां दे जीवन विच जिहड़ा जिहड़ा उह कर्म करदे ने, उह कर्म उहनां नूं नहीं लगदा कि असीं कर रहे हां। कबीर साहिब दे विच जदों इह दात वरती, उहनां दी जिंदगी विच कई प्रकार दीआं घटनावां वापरी, क्योंकि जिहड़ा मनुख उहदे चरणां नाल जुड़ेगा वो असीम हो जाएगा। असीम का मतलब उहदियां हद्दां नहीं रहणगियां, जिवें साडे जीवन दीआं हद्दां ने, साडे दो हत्थ ने, असीं इन्ना कोई कम कर सकने, पर उहनां दे हत्थां दी ताकत बड़ी वध जांदी है, साडियां अखां कुछ दूर वेख सकदियां ने, वो बड़ी दूर वेख लैंदे ने, तां उहनां दी जिंदगी विच जदों असीम घटनावां वापरियां ना, कबीर साहिब दे जीवन विच कुछ करिश्मे वापरे,
ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ, ਕਬੀਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਹਿੰਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਹਿੰਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਛ ਹਰ ਕੀਆ ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਦਾ। ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਬ ਇਸ ਕਾ ਵਰਣ ਚਿਹਨ ਨਾ ਜਾਪਤ, ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੰਮ, ਸ਼ੁੱਧ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਖ ਅਤੇ ਸੋਗ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਖ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਕਰਨਗੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੋਗ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਣਤਰ ਐਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਗ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬ ਹਰਖ ਸੋਗ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਰਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਲ ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਪਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਆਪਣ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾਂ ਕਿਸ ਹੋਵਤ ਭਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਕੜ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੋਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਆਦਮੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋਏਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮੋਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀ ਜਾ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੇਮ। ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ, ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਨਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ, 200-400 ਰੁਪਈਆ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਆਦਮੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ,
चारे बच्चे शहीद हो गए, माता पिता शहीद हो गए, पर फिर भी उहदे तों उह चीज़ां उहनां नूं उपराम नहीं कर सकियां, उदास नहीं कर रही, उहदे विच कुछ ना कुछ कम कर रहा। उह कहिड़ी चीज़ कम कर रही है? उह कहिंदे कि मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा। इह ते खेड है, संसार खेड नूं उहनां ने खेड समझिया। इहदे विच सारियां टीमां आपो अपना रोल निभा रहियां ने, कोई कहिड़ी साइड ते खेड रहा है, कोई किहड़ी साइड ते खेड रहा, ते सारे लोग इको साइड ते नहीं खेडदे हुंदे। खेड तां चलदी है, असीं कहिंदे आ सारियां नूं इको जिहा कर दईए, संसार इको जिहा नहीं हो सकदा, इह खेड चलेगी नहीं। इस करके जीवन नूं जिन्हां ने खेल समझिया ना, फिर उस खेड दे विच इह नहीं कि तुसीं बेमर्यादा रहो। भावें खेड विच दी हार जित झूठी हुंदी है, आपां कई वारी कहिंदे आ वी इक देश दा नाम लैंदे आ भी ये देश इंडिया पाकिस्तान दे नाल खेडिया, तो पाकिस्तान इंडिया जित गया, पाकिस्तान हार गया, जां पाकिस्तान जित गया। ये शब्द झूठ हुंदा है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं हारदा, उत्थों दी टीम हारदी है, पर सारे पाकिस्तान नूं लगदा है कि असी हार गए जदों वेखदे ने, असल विच उह हारदे नहीं ना उह खेडदे ने। इस तरह संसार एक खेड वर्गा, इहदे विच बंदे नूं महसूस हुंदा मैं हार गया, मैं पिछे रह गया, मैं अगे चला गया, जांदा कोई किते भी नहीं, उत्थे खड़े रहिंदे ने। इस तरह सतगुरु कहिंदे जिहड़े मनुखां दे जीवन विच सारियां दातां अकाल पुरख वाहिगुरू वल्लों भर दित्तियां जांदियां ने, उहनां दे जीवन विच जो भी आउंदा है उहनूं एक खेड दे रूप विच उह वरत लैंदे ने, और उन्हां दे जीवन विच दूसरा कोई आउंदा नहीं। आपण खेल आप वरतीजा, नानक करना हार ना दूजा। उन्हां दी जिंदगी विच कोई द्वैत रहिंदी नहीं। हजूर कहिंदे जब होवत प्रभ केवल धनी, तब बंद मुक्त कहो किस को गणी। हुण धार्मिक जगत विच एक अहुदा है, प्राप्ति है, हर एक धार्मिक मनुख कहिंदा है भी मैनूं मुक्ति मिल जाए, मरण तों बाद भी मुक्ति दी गल चलदी। पर जिहदी अज गुरु अर्जन देव जी जिस दशा दा जिक्र कर रहे हन, उत्थे जा के कहिंदे ना बंधन रहिंदा ते ना मुक्ति रहिंदी है, दोवें चीज़ां साध संगत उहदे जिंदगी विचों इह खत्म हो जांदी है। मुक्ति बारे इक बेनती करां, गुरबाणी विच मुक्ति बारे बहुत कुछ शब्द आए ने। आम तौर पर आदमी मरदा है, उहदे वास्ते आपो अपने ढंग नाल कोई दान करदा भी मुक्त हो जाए, कोई पाठ करदा कराउंदा मुक्ति मिल जाए, कि भटकता ना फिरे। मुक्ति है कि असल में मुक्ति कोई प्राप्त होने वाली चीज़ नहीं है। मुक्ति शब्द के अर्थ ने छुट जाना, मुक्त हो जाना, किदे तो छुटना, सब कुछ तो छुट जाना ते अपना आप रह जाना। मुक्ति बंदे दा अंदरला सुभाअ है, जदों साडे सारे विचार खत्म हो जाते उदों असीं मुक्त होंदे हां, भावें शरीर होवे भावें शरीर नहीं। तां मुक्ति अंदरला साडा सुभाअ है, वह कोई दशा नहीं कि मुक्ति मिलेगी जहाज़ आएगा उहदे उत्ते बिठा के देवते लै जाणगे, उत्थे उत्ते चौर फिरेगा, वड्डे सिंघासन ते बिठाउणगे, इस तरह की कोई मुक्ति नहीं है। जीवन मुक्त गुरु साहब ने कहा कि जिंदगी दे विच रहिंदियां जदों कोई मनुख काम क्रोध लोभ मोह हंकार अपनियां बनाईयां हुईयां झूठियां धारनावां तो छुट जांदा है, उस वेले उहनूं कहिंदे आदमी मुक्त हो गया, छुट गया, इहदा अंदरला सुभाव प्रगट हो गया। इस करके सतगुरु कहिंदे जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी है ना, गुरमुख है, जब होवत प्रभ केवल धनी, जदों वाहिगुरू उहदे जीवन विच प्रगट हो जांदे हन, तब बंध मुक्त, उस वेले ना वह बंधन विच रहिंदा ते ना मुक्ति विच, इहदे तों अगे चला जांदा। कहो किस को गणी, वह किहदे वास्ते गिणी जाए, भाव इहदी भी वह मंग नहीं करदे। हजूर कहिंदे जब एक है हर अगम अपार, तब नरक सुरग कहो कौन अवतार। कौन फिर नरक मंगे, कौन स्वर्ग मंगे,
कौन नरक तो बचे तो कौन स्वर्ग प्राप्त करने वास्ते साधन करे, क्योंकि नरक तो स्वर्ग वो वास्ते छोटे हो गए, उन्होंने कोई जरूरत नहीं रही। जिमें कोई आदमी व्डे कोर्स न करके व्डे अहदे प्राप्त कर लेंदा है तो वो जीवन में छोटे अहदे अपने आप आ जाते, उन्होंने वास्ते मेहनत नहीं करनी पैंदी। इस तरह जिन्हां दे जीवन दे विच अकाल पुरख की बख्शिश वापर जाती है ना वो नरक तो बचन का साधन करते हैं, क्योंकि नरक उन्हां दी जिंदगी विच आ ही नहीं सकता। भावें उन्हां नूं किहड़े नरक विच भेज दिओ, स्वर्ग विच तब्दील हो जाएगा, तो ना वो स्वर्ग की प्राप्ति वास्ते कोई साधन करते हैं, क्योंकि जिथे उन्हां दा निवास है सारे स्वर्ग उहदी अरदल विच रहिंदे ने, वो इन्हां चीज़ां तो उच्चे हो जाते हैं, अगम अपार वाहगुरू के चरणों में लीन हो जाते। हजूर कहिंदे जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए। ये शिव सकत शब्द बड़ी बारी गुरबाणी विच आएगा। कहिंदे जदों किसी के मन विच निर्गुण प्रभु सहज सुभाए प्रगट हो जाते, सुभाव विचों प्रगट हो जाते हैं, सुभाव विचों झाकण लग पैंदे ने, उस वेले उहदी जिंदगी विच शिव ते सकत दोवें नहीं रहिंदियां। शिव दा अर्थ है वह पासा जिहड़ा धार्मिक जगत विच काम करदा है, ते सकत दा अर्थ है माया संसार। दो चीज़ां दा जोड़ ला के साडा शरीर बनाया है। शिव दा अर्थ है वह हिस्सा जिहड़ा आत्मा नाल जुड़िया होया, प्रभु नाल जुड़िया होया। जिवें आपां शुभ कर्म करने आ, वह शिव दा हिस्सा है। धार्मिक कर्म करने, चंगे कर्म करने, जेडे असी संसार दे कर्म करने, वो शक्त दा हिस्सा, शक्ति दा, माया दा। जेड़ा इत्थे गुरमुख इस चौथी अवस्था विच चला जांदा है, उहदी जीवन विच ना माया रहिंदी है ते ना शिव दा अर्थ है, धार्मिक कर्मां तों भी अगे चला जांदा है, इस जंजाल तों भी पार निकल जांदा है। वो धर्म धार्मिक कर्मां दी उहनूं लोड़ नहीं पैंदी, क्योंकि जदों पाणी विच पाणी मिल गया, किसे नदी नूं तुरन दी उन्ना चिर जरूरत है जिन्ना चिर उह समुंदर विच नहीं गई। जदों समुंदर विचों नदी लीन हो गई तां उहदा तुरना अपने आप रुक गया। जिहड़े मनुख प्रभु दे चरणां विच लीन हो जांदे ने, उहनां नूं धार्मिक कर्मां दी भी जरूरत नहीं पैंदी, भावें उह संसार दे विच विचरन दे तौर ते बाहरी तौर ते धार्मिक कर्म करदे रहिंदे, उहनां नूं कोई जरूरत नहीं। इस करके सतगुरु कहिंदे उहनां दे जीवन विचों शिव ते शकत ये दोवें लीन हो जाते, विलीन हो जाते, खत्म हो जाते हैं, और एक उन्होंने सहज सुभाव अकाल पुरख वाहगुरु जिहड़ा प्रगट हो जाता है। जब आपह आप अपनी जोत धरै, तब कवन निडर कवन कत डरै। बहुत ही सतगुरां ने बिल्कुल ऐसा ज्ञान दिता जिदे विच रत्ती भर भी सुराख नहीं। कई चीज़ां कई ख्याल ऐसे हुंदे ने जिदे विचों परत के कुछ कढ़िया जा सकदा। ये शुद्धतम बयान है धर्म का कि ना वो किसे तो डरदा है ते ना वो निडर है। तब कवन निडर कवन कत डरै, ये दोवें ही अवगुण ने। ख्याल रखना, डरना भी अवगुण है ते निरभय होना भी अवगुण है। एक थां ते जाग ये समझ नहीं आएगा इन्नी जल्दी। डरना भी अवगुण, निरभय होना भी एक अवगुण है। दो दशा ने इहदे तो तीजी अगे है जिथे बंदा खलास हुंदा। जब होवत प्रभ केवल धनी, जदों वाहगुरु उहदे जीवन विच प्रगट हो जांदे हन, तब बंद मुकत, उस वेले ना वो बंधन विच रहिंदा ते ना मुक्ति विच, इहदे तो अगे चला जांदा। कहो किस को गणी, वो किहदे वास्ते गिणी जाए, भाव इहदी भी वो मंग नहीं करदे। हजूर कहिंदे जब एक है हर अगम अपार, तब नरक सुरग कहो कौन अवतार। कौन फिर नरक मंगे, कौन स्वर्ग मंगे, कौन नरक तो बचे ते कौन स्वर्ग प्राप्त करने वास्ते साधन करे, क्योंकि नरक ते स्वर्ग उहदे वास्ते छोटे हो गए, उहनां दी कोई जरूरत नहीं रहिंदी। जिवें कोई आदमी वड्डे कोर्स नूं करके वड्डे अहुदे नूं प्राप्त कर लैंदा है ते उहदे जीवन विच छोटे अहुदे उहदे विच अपने आप आ जांदे, उहनां वास्ते उहनूं मेहनत नहीं करनी पैंदी। इसे तरह
जिन्हां दे जीवन दे विच अकाल पुरख की बख्शिश वापर जाती है ना वो नरक तो बचन का साधन करते हैं क्योंकि नरक उन्हां दी जिंदगी विच आ ही नहीं सकता। भावें उन्होंने किहड़े नरक विच भेज दे स्वर्ग विच तब्दील हो जाएगा ते ना वो स्वर्ग की प्राप्ति वास्ते कोई साधन करते हैं क्योंकि जिथे उन्हां दा निवास है सारे स्वर्ग उहदी अरदल विच रहिंदे ने। वो इन्हां चीज़ां तो उच्चे हो जाते हैं अगम अपार वाहिगुरू के चरणों में लीन हो जाते। हजूर कहिंदे जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। ये शिव सकत शब्द बड़ी बारी गुरबाणी विच आएगा। कहिंदे जदों किसी के मन में निर्गुण प्रभु सहज सुभाए प्रगट हो जाते सुभाव विचों प्रगट हो जाते हैं सुभाव विचों झाकण लग पैंदे ने उस वेले उहदी जिंदगी विच शिव ते सकत दोवें नहीं रहिंदियां। शिव का अर्थ है वह पासा जिहड़ा धार्मिक जगत विच काम करदा ते सकत का अर्थ है माया संसार। दो चीज़ां का जोड़ ला के साडा शरीर बनाया है। शिव का अर्थ है वह हिस्सा जिहड़ा आत्मा नाल जुड़िया होया प्रभु नाल जुड़िया होया जिवें आपां शुभ कर्म करने आ वह शिव का हिस्सा है। धार्मिक कर्म करने चंगे कर्म करने जिहड़े असीं संसार दे कर्म करने वो शक्त दा हिस्सा शक्ति दा माया दा। जिहड़ा इत्थे गुरमुख इस चौथी अवस्था विच चला जांदा उहदी जीवन विच ना माया रहिंदी है ते ना शिव दा अर्थ है। धार्मिक कर्मां तों वी अगे चला जांदा है इस जंजाल तों वी पार निकल जांदा है। वह धर्म धार्मिक कर्मां दी उहनूं लोड़ नहीं पैंदी क्योंकि जदों पाणी विच पाणी मिल गया किसी नदी नूं तुरन दी उहना चिर जरूरत है जिन्ना चिर उह समुंदर विच नहीं गई। जदों समुंदर विचों नदी लीन हो गई तो उहदा तुरना अपने आप रुक गया। जिहड़े मनुख प्रभु दे चरणां विच लीन हो जांदे ने उहनां नूं धार्मिक कर्मां दी वी जरूरत नहीं पैंदी भावें वह संसार दे विच विचरन दे तौर ते बाहरी तौर ते धार्मिक कर्म करदे रहिंदे उहनां नूं कोई जरूरत नहीं। इस करके सतगुरु कहिंदे उहनां दे जीवन विचों शिव ते शकत ये दोवें लीन हो जाते विलीन हो जाते खत्म हो जाते ने और एक उन्होंने सहज सुभाव विच अकाल पुरख वाहगुरु जिहड़ा प्रगट हो जाता है। जब आपह आप अपनी जोत धरै तब कवण न डर कवण कत डरै। बहुत ही सतगुरां ने बिल्कुल ऐसा ज्ञान दिता जिदे विच रत्ती भर भी सुराख नहीं। कई चीज़ां कई ख्याल ऐसे हुंदे ने जिदे विचों परत के कुछ कढ़िया जा सकदा। ये शुद्धतम बयान है धर्म दा कि ना वो किसे तो डरदा है ते ना वो निडर है। तब कवण निडर कवण कत डरै ये दोवें ही अवगुण ने। ख्याल रखना डरना भी अवगुण है ते निरपय होना भी अवगुण है। एक थां ते जा ये समझ नहीं आएगा इन्नी जल्दी। डरना भी अवगुण निरपय होना भी एक अवगुण है। दो दशा ने इहदे तो तीजी अगे है जिथे बंदा खलास हुंदा। उदाहरण दे तौर ते कहां जे कोई आदमी डरदा है ते वो डर दे नाल कंबदा है मायूस हुंदा है किसी चीज़ तो डर गया किसी वड्डे आदमी तो डरदा है उहदे अंदर मायूसी है उहदे विच कंब है वह डर रहा है वह भी दुख है। तो एक आदमी डर रहा सी उहनूं एक नशा पिया दिओ नशे दे सरूर विच उह निडर हो गया डरदा नहीं हुण। उहनूं हलाशेरी दे दिओ भी तूं परवाह ना कर असी तेरे पिछे खड़े हां उह निडर हो गया। हुण निडर हो गया डर तो ते रहत हो गया पर हंकारी हो गया। एक रस्सा गल विचों लत्था दूजा पै गया। साडे विच भी वापरदा है साडे विच अद्धे लोग तो डरते रहिंदे ने ये ना हो जाए गुरु कोल चलीए ये ना हो जाए गुरु कोल चलीए किते साडे जीवन विच दुख ना आ जाए तां असी गुरु कोल आउने आ। ते जिहड़े कुछ लोग ने उह कहिंदे सानू संसार दी कोई लोड़ नहीं साडे कोल बड़ा कुछ है असी नहीं गुरु कोलों कुछ मंगना ना सानू कोई दुख ना सानू धन दी लोड़ है ना सानू किसे तंदुरुस्ती दी लोड़ है। वो कहिंदे ने असी ते बस नाम ही मंगना असी होर कुछ नहीं मंगना।
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹਟ ਗਿਆ ਲੋਭ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਅਵਗੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਸਾਧਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਫਸ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਣ ਕੀ ਵਿਧ ਸਭ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਛੂਟਣ ਕੀ ਵਿਧ ਕੋ। ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਪਾਪ ਸੀ, ਤਿਆਗ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਸਤ ਮੈਂ ਚਿੰਤ, ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਔਗੁਣ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਵੈਸੇ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਸ, ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਸਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਹੈ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰਿਸਤ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਸਤ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਉਦਾਸ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਜੀ ਕੋ ਜੰਜਾਰ, ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਜਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਸੋ ਗ੍ਰਿਸਤ ਉਦਾਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਸਤ ਤਿਆਗਿਆ ਉਦਾਸੀ ਬਣਿਆ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਬ ਆਪਹਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੈ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਬ ਕਵਣ ਨਿਡਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਕਵਣ ਕਤ ਡਰੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਨ ਚਲਿਤ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਰਿੱਤਰ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗੰਮ ਹੈ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਣੇ ਆਸਣ, ਤਹਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਉ ਕਹਾਂ ਬਿਨਾਸਨ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਣ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹ ਸੁਖ ਅਵਿਨਾਸੀ ਆਸਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਨਮ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਮੌਤ ਦਾ, ਤੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੋ ਕਹਾ ਬਿਨਾਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਸਨ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਮ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸ ਭਾਵ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਬ ਅਬੇਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ,
तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। ऐसे गुरमुखा तो चित्र गुप्त जेड़े ने वो लेखा नहीं लेंदे, उन्होंने कैमरे हट जाते हैं, वो नहीं उहदा हिसाब किताब लेंदे। अवगत ऐसे वाहगुरु नू अगोचर जो बहुत उच्चा इंद्रियां तो परे है, चित्र गुप्त उहदे तो लेखा नहीं पुछदे, उहदे ते डन नहीं लाउंदे। ऐसी दशा उस नू प्राप्त हो जाती है जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बादे। ऐसे मनुखा नू कौन बने, ऐसे गुरमुखा नू छुटन दी ते बंधन दा डर ही खत्म हो गया, उहदे विच लीन हो गए, ना उहनां नू बंधन पै सकदा ते छुटन दा उहनां दे जीवन विच ख्याल ही नहीं आउंदा, क्योंकि छुटना उह चाहुंदे ने जिहड़े बझे होए ने, वह बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। इहदा भाव यह है वह नाथ सारयां दा मालक निरंजन माया तो रहत अगोचर जिहड़ा परे तो परे अकाल पुरख उहनां दे जीवन विच बख्शिश कर देंदा है। साहिब कहिंदे अपने आप ही आचर जा, नानक आपन रूप आप ही उपर जा। ये सारी दी सारी गुरमुख दे जीवन दी कहानी है, दशा है। कहिंदे उहदे जीवन विच उह आप ही आपन आप उहनूं इंज लगदा भी मैं है ही नहीं, तू करता तू हुआ, मुझ मैं रहा ना हूँ। जब आपा परका मिट गया, जत देखा तत तू। इस तरह की दशा विच वो अचरज हैरान हो जाता, ऐसा गुरमुख। नानक आपन रूप आप ही उपरजा, उपरजा दे अर्थ ने पैदा करना, उन्हां दा अपना रूप उहदे वर्गा ही उपज पैंदा, भाव पैदा हो जाता है। चौथे अंक विच साहिब कृपा कर रहे हैं, कहिंदे जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या धोता। एक ऐसी दशा है जिथे जा के मनुख नू पाप नहीं लगता, पाप की मैल नहीं चंबड़ती। ये उस दशा नू वर्णन कर रहे हैं। फिर जदों मैल नहीं लगी तो उन्होंने नहाना नहीं पैंदा, उन्होंने मैल लाउणी नहीं पैंदी। जदों अठे पैर अकाल पुरख निर्मल रूप विच उन्हां दे मन विच निवास करदा है, जिवें आम आदमी है, आम धार्मिक बंदा है, उन्हों दो टाइम दा नितनेम दिता गया, क्योंकि दिने जिहड़े असी कर्म करने आ, भावें असी किन्ना भी बचीए, कुछ ना कुछ मैल साडे मन ते जरूर पैंदी। शाम नू नितनेम दिता भी वह मैल नितनेम नाल जिहड़ी आरजी है इकट्ठी ना होंदी जाए, क्योंकि जे मैल लगातार इकट्ठी होंदी जाए तो फिर उस कपड़े नू धोना कठिन है। जे उहनू नालों नाल थोड़ा थोड़ा धोंदे रहिए तो वह कपड़ा जिहड़ा जल्दी उज्जल हो जाता। इस करके गुरु साहिब ने दो टाइम का नितनेम तां दिता है। फिर सवेर दे टाइम ये नितनेम दिता तां कि जिहड़ी मैल है धो के पूरी तरह उज्जल कर लिया जाए, फिर 12 घंटे वास्ते मन तैयार हो जाए। इस तरह इस्लाम ने होर भी इहदे तों वखरा विज्ञान वरत्या। उन्होंने सोचा भी 12 घंटे भी बहुत लंबे ने, उन्होंने 12 घंटियां विच 5 वारी कर दिता, दो दो घंटे बाद नमाज, दो दो घंटे बाद, तां कि इहनूं मौका ना मिले बहुता लंबा मैले होण। पर गुरु साहिब ने जदों गृहस्थी जीवन वल वेख्या भी इह तां इक तरह दा बार बार मनुख वास्ते थोड़ा जिहा कठिन है, तां सतगुरां ने सानू दो टाइम दे दिता। पर असी दो टाइम तो भी कई बारी तंग हो जाने, उहदे तो भी असी छुटना चाहुंदे आ, तां फिर जदों मैले रहण दी आदत पै जांदी, कई बारी मैल नाल प्रेम हो जांदा, फिर बंदा मैल नू प्रेम करन लग पैंदा। इस तरह सतगुरु कहिंदे पर जिहड़े ब्रह्म ज्ञानी गुरमुख जन उहदे चरणां नाल जुड़ जांदे ने, उन्हां दे जीवन विच इन्नी निर्मलता आ जाती है। जै निर्मल पुरख पुरख पत होता, जिथे वह आप ही प्रगट हो गया, तै बिन मैल कहो क्या धोता, उन्हां नू मैल लगती ही नहीं। भाव यह है
उन्हां नूं इह दोवें टाइम धोण दी भी लोड़ नहीं पैंदी, पर फिर भी सिक्खी मंडल दे अंदर गुरु साहब ने एक तरीका रख्या भी भावें कोई किन्ना भी पहुँच गया है उन्हूं भी नित नेमी रख्या, उन्हूं भी सवेरे शाम यह हदायत की, क्योंकि जिहड़े दूसरे लोग ने नहीं जुड़े वो तुसी कदी वेखना उन्हां लोकां दी रीस करनगे, ये नहीं देखना भी वह किन्ने चिर दे लगे ने, उन्हां किन्ना कम कर लिया, वो हर एक चीज़ उन्हां वल वेखणगे, इस करके भुलेखे विच पैणगे, उस भुलेखे तो उन्हां नूं बचाउण लई उस तरह कर्म करी जांदे जदकि उन्हां नूं लोड़ नहीं हुंदी, मैल उन्हां तक आउंदी नहीं, पाप उन्हां तक पहुँचदे नहीं। इत्थे सतगुरु कहिंदे तै बिन मैल कहो क्या धोता, जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन को मान कौन अभिमान। जिथे निरंजन वाहगुरु प्रगट हो गए, जिस शरीर विच निरंकार निर्वाण आकार तो रहत जिस दे मन विच वसे, उन्हां नूं ना मान ते ना अभिमान, ये दोवें चीज़ां उन्हां दे जीवन विचों खत्म हो गई। जह स्वरूप केवल जगदीश, तै छल छिदर लगत कौ कीश। हुण उस बंदे नूं कौन छलेगा, क्योंकि उहदे कोल इस तरह का कुछ भी नहीं जिन्हों छलिया जा सके, जिन्हों खोया जा सके, वो इन्हां छिदरां तो छिदर का भाव सुराख कोई रस्ता नहीं उन्हों धोखा देण दा, उन्हों छलण दा, क्योंकि वह किसी चीज़ नाल बझे ही नहीं होया। उन्हों माण दिओ अपमान दिओ जो भी मिले वो हर एक चीज़ नाल राजी हो जाता है, और जगदीश का स्वरूप उहदे मन विच प्रगट हो जाता है। हजूर कहिंदे जह जोत स्वरूपी जोत संग समावै। जोत स्वरूपी एक साडा मन है, एक साडे अंदर जोत, गुरु साहब ने कहा ये शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी, पर एक इस अंदरली जोत का मूल स्रोत है अकाल पुरख आप, उतों तक सिख ने जाना, पर रस्ता यही है पहला अपनी जोत लभेगा तो ही वड्डी जोत ना जुड़ेगा। इस तरीके नाल उस जोत दे विच उहदी सांझ बन जाती, उहदे विच समा जाता जै जोत स्वरूपी जोत संग समावै, तै किसै भूख कवण तृप्तावै। फिर उत्थे ना तृष्णा ते ना तृप्ताई, दोवें चीज़ां तो अगे चला गया। ये अष्टपदी ऐसी है, इउं कहो भी एक अष्टपदी जिहड़ी है ये 21 नंबर, ये आम साधक वाली है ही नहीं, आम बंदे नूं समझ विच नहीं आउंदी, क्योंकि सुखमणी साहिब दे विच सारियां क्लासां दे विद्यार्थियों दे बारे शब्द उचारे गए। जिथे एक आम जग्यासू है उहदे ते कम करदियां ने पहलियां अष्टपदियां, जिहदे विच इह कहा गया संग सहाई सुआवै ना चीत, जो बैराई सांतां स्यों प्रीत, उहदे विच साडी तस्वीर। बलवा के ग्रह भीतर बसै अणद केल माया रंग रसै, दिड़ कर मानै मनै प्रतीत काल ना आवै मूढ़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बेकार महा लोभ त्रो, इहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिहो आपण कर करम। वो अरदास दियां अष्टपदियां ने आम आदमी वास्ते, पर इत्थे साध संगत जी बिल्कुल सिरे ते गए हुए मनुख की व्याख्या की है, और इस व्याख्या नूं समझना अत जरूरी हुंदा है तां कि सानू समझ थोड़ी जी आ जाए भी जिहड़े बख्शे होए ने उहनां दे चिन्ह की ने, उहनां दे लक्षण की ने, किवें दे हुंदे ने। इस करके इत्थे कहिंदे उहनूं कोई छल नहीं सकदा, ना उहदे विच ऐसी तृप्ताई है भी उह भोजन छड के बैठ जांदा, ते ना उहदे विच तृष्णा। याद रखना प्राप्त करन दी इच्छा रखनी भी बंधन है, ते जो कुछ रब देंदा उहनूं मोड़ना भी एक उस दुनिया विच गुनाह है, वह दोवें चीज़ां तो उच्चा उठ जांदा। मंगदा कुछ है नहीं, जो मिले उहनूं वरत भी लैंदा है, दोवां विच इक्को जिहा रहिंदा, क्योंकि त्यागना भी एक प्रकार का बंधन है।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੇਡਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੋਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੱਖ